मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार। तो आज प्रश्नकाल का स्पेशल एडिशन चुनाव से पहले की उस बड़ी खबर पर, जिसने एक राजनीतिक दल जो आंदोलन से निकला, जो बेहद कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गया और जिसमें बहुत संभावनाएं थी राजनीति की, या क्या पता अभी भी हो, लेकिन उन सब संभावनाओं को बड़ा ग्रहण लग गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने स्कैम का किंग पिन बता दिया है। तो प्रश्नकाल में आज पहला प्रश्न, क्या चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी सरकार का कोई गेम प्लान है? सवाल नंबर दो, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी पॉलिटिकल है? सवाल नंबर तीन, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष बढ़ेगा? और सवाल नंबर चार, क्या टॉप लीडरशिप के सलाखों के पीछे चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी अब अनाथ हो जाएगी? तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल की। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष की मोदी के खिलाफ लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कई तरह की बातें हैं, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के किसी स्कैम के मामले में गिरफ्तारी का यह अपनी तरह का पहला मामला है। केजरीवाल के लिहाज से तो और भी अलग है, वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा बुलंद करके ही केजरीवाल राजनीति में उतरे थे और देखते ही देखते सड़क से सत्ता के शिखर तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई गई। तो उस भ्रष्टाचार की शिकायत की 6 महीने के अंदर जांच करो, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा करो और 1.5 से 2 साल के अंदर उन भ्रष्टाचारी नेताओं को और अफसरों को जेल होनी चाहिए। ये जेल भेजना भी दिखावा है, नाटक है। पैसा ऊपर तक गया है और ऊपर तक जाके वो स्विस बैंक में पहुंच भी गया पैसा। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? जैसे हम लोगों ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो पार्टी से निकालो और उसको जेल भेजो। ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। सुना आपने, भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद सुर, कट्टर ईमानदारी की बात, राजनीति में पारदर्शिता की हिमायत। केजरीवाल के भाषणों में या उनके इंटरव्यूज में आपने ये आदर्शवादी शब्द कई बार सुने होंगे। सिद्धांतवादी राजनीति के आकर्षक फ्रेम में जड़े इन्हीं अल्फाजों को अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के घातक अस्त्र में बदला। इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है? क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा, तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। केजरीवाल ने खुद को सबसे ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भला किसे याद नहीं होगा कि किसी दौर में केजरीवाल भारतीय राजनीति के समकालीन कथित बेईमानों की लिस्ट बनाया करते थे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और इसके देश की भी सहमति चाहता हूँ कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, मायावती, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ। भ्रष्टाचार पर केजरीवाल का अंदाज बेहद मारक रहा। इससे उन्होंने अपनी जो सार्वजनिक छवि बनाई, उससे केजरीवाल राजनीति के मंच पर एक निडर, दुस्साहसी, बेबाक और ईमानदार नेता के रूप में प्रकट हुए। हम ये सब करने के लिए नहीं आए, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम सत्ता, हम इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। लेकिन समय का फेर देखिए कि राजनीति में जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की मशाल जलाकर केजरीवाल आगे बढ़े और इतने आगे बढ़े
कि आज एक राजनीतिक ताकत बन गए। अब भ्रष्टाचार का वही जिन्न केजरीवाल की राजनीति के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वरना इन 12 सालों में अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो क्या नहीं, केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया, पार्टी बनने के एक साल के भीतर ही 2013 में दिल्ली में सत्ता में आ गए। लगातार 3 बार से केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। आज देश के 2 राज्यों में, दिल्ली को भी शामिल कर लीजिए, और पंजाब में सरकार बना ली। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीत कर आए। 10 साल के भीतर ही केजरीवाल की पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। देश में कुल राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं और उनमें से आम आदमी पार्टी 1 है, जबकि केजरीवाल की ये पूरी यात्रा सिर्फ 12 बरस की है। इस यात्रा में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपना सबसे मारक अस्त्र बनाया था, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल खुद उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में धर लिए गए हैं। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता कि जिस भ्रष्टाचार के हथियार को मिसाइल की तरह कंधे पर लादकर केजरीवाल अब तक दूसरों पर हमला करते रहे हैं, अब उसी हथियार के जरिए उनके विरोधी उनकी गर्दन नापने को तैयार बैठे हैं। भारत की जनता और दिल्ली की जनता खासकर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत कर रही है। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है, अरविंद केजरीवाल झूठा है। तो केजरीवाल के कट्टर ईमानदार के दावों पर बीजेपी की तरफ से कट्टर बेईमान होने का लांछन लगने लगे, और इसकी जड़ में है दिल्ली सरकार का कथित शराब घोटाला, जिसमें दिल्ली सरकार के केजरीवाल के डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, फिर सांसद संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। जांच की आंच में केजरीवाल के हाथ जल गए और अरविंद केजरीवाल आखिरकार गिरफ्तार भी हो गए। समय का चक्का कैसे घूम रहा है उसे केजरीवाल के ही बयानों से आज जरूर समझा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो पार्टी से निकालो और उसको जेल भेजो। भेजें ये पार्टियां जेल? कह रहे जिद्दी हैं हम लोग, जिद्दी, बहुत जिद्दी हैं हम लोग। जब तक भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा, हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग पिएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उस भ्रष्टाचार की शिकायत की 6 महीने के अंदर जांच करो, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा करो और 1.5 से 2 साल के अंदर उन भ्रष्टाचारी नेताओं को और अफसरों को जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन जो डिमांड केजरीवाल दूसरों के लिए करते रहे हैं, सत्ता में आने के बाद खुद उनके करीबी और उनकी पार्टी के नेता वैसे ही आरोपों में घिरते चले गए। 2023 में शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, 2023 में ही शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार हुए, मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, अब 24 में चुनाव से पहले केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस समय सलाखों के पीछे है। इसी सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे। कभी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति को काजल की कोठरी ठहराया था, कहा था कि इसमें जो जाता है काला होकर ही निकलता है। लेकिन केजरीवाल ने तो भारतीय जनमानस को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का सपना दिखाया था जिसमें ईमानदार होकर बेदाग बने रहने का सूत्र था। हालांकि केजरीवाल ने करीब 12 साल पहले ही सत्ता के कैरेक्टर के प्रति आगाह भी किया था। लेकिन यह भी सच है कि केजरीवाल ने ये खतरे तब जताए थे जब वो एक्टिविज्म से पीछा छुड़ाकर एक राजनीतिक दल होने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सत्ता में आए उनको 1 दशक से ज्यादा हो गया, तब से यमुना में भी बहुत पानी बह चुका है। जिस भ्रष्टाचार, ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शिता की बातें केजरीवाल करते रहे हैं वो 180 डिग्री पर खड़ी हो गई हैं। काजल की कोठरी से बेदाग निकल पाना वैसे भी बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त कर रही है। मामला अब कोर्ट की दहलीज में है, देखना यह होगा कि आगे यहां से ये किस दिशा पर मुड़ता है, लेकिन नैतिकता का तकाजा तो रहेगा ही। और फिर सवाल यह भी बना रहेगा कि वर्तमान दौर की राजनीति में नैतिकता शायद वो चिड़िया है जो फुर हो चुकी है।